हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ग्रीन प्लांट्स ग्रो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पांच खूबसूरत फाइकस वेराइटीज़ के बारे में और उनसे जुड़ी छोटी मोटी बातें। इससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहली वेराइटी के बारे में। फर्स्ट वैरायटी है हमारी स्टारलाइट फाइकस। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। इसकी लीव्स देखिए कितनी ब्यूटीफुल होती है। इसे आप इंडोर और आउटडोर दोनों भी रख सकते हैं। यदि आप इस प्लांट को इंडोर रखना चाहते हैं तो एक दो दिन में इसे एक दो घंटे की धूप ज़रूर दिखाए। दूसरी फाइकस वैरायटी है हमारी जिनसेंग फाइकस। देखिए दिखने में ये कितना ब्यूटीफुल लगता है, कितना सुंदर लुक है इसका। जिनसेंग फाइकस हार्डी प्लांट होता है, इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। इस प्लांट को आप बोनसाई भी बना सकते हैं। इस प्लांट पर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने पर और मॉर्निंग धूप दिखाने पर यह बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करता है। इस प्लांट को आप छोटे पॉट या बड़े पॉट पर लगाकर इसे ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम हमारी तीसरी वैरायटी की। तो हमारी तीसरी वैरायटी है बेंजामिना फाइकस। बेंजामिना फाइकस भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसे भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी लीव्स भी बहुत ब्यूटीफुल होती है, डार्क ग्रीन कलर होता है ये लीव्स का और कुछ लीव्स चमकीली भी दिखाई देती है। समर सीज़न इस प्लांट के ग्रो के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस सीज़न पर ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। फोर्थ वेराइटी है हमारी फाइकस पांडा। ये प्लांट भी बहुत ब्यूटीफुल होता है, इसके लीव्स भी बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देती है। इस प्लांट को जितनी धूप मिलती है ये उतना ही अच्छा ग्रो करता है और इसकी लीव्स उतनी ही ब्यूटीफुल दिखाई पड़ती है। फाइकस पांडा भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसे घना बनाने के लिए इसे हार्ड प्रूनिंग या फिर पिंचिंग करके इसे घना बनाया जा सकता है और इसे ग्रो किया जा सकता है। इस प्लांट को भी हम बोनसाई बना सकते हैं, या तो छोटे पॉट पर या बड़े पॉट पर लगा के इसे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। देखने में ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे समय समय पर लिक्विड फर्टिलाइज़र या तो खाद देकर इसे अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। ये प्लांट घरों में बहुत ही सुंदर दिखता है। हमारी फिफ्थ और लास्ट फाइकस वेराइटी है पीपल। पीपल भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, ये हमारे एरिया में आसानी से दिखने वाला प्लांट है। पीपल प्लांट भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसे भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। इस प्लांट को भी धूप बहुत पसंद होती है। इस प्लांट को भी बोनसाई बनाने पर ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। इस प्लांट को हम ट्री के रूप पर भी ग्रो कर सकते हैं अपने घरों पर। तो इस वीडियो में हमने फाइकस की पांच खूबसूरत वेराइटीज़ देखी। अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो पर। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।